दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में न्यू रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे पास है 2022 मॉडल न्यू रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का फायरबॉल कस्टम ब्लैक मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि 2022 में रॉयल इनफील्ड की तरफ से मीटियोर 350 में आपको क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको 2022 में आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं रॉयल इनफील्ड की तरफ से। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में, उन्हीं नए बदलाव के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इसकी एक्सोन प्राइस भी बताएंगे कि 2022 में इसकी एक्सोन प्राइस कितनी चल रही है, और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में मीटियोर 350 लेने जाते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट प्राइस कितना पड़ेगा, यानी कि हम आपको एक्सोरूम प्राइस के साथ साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अंदर से लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे ने वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में कि 2022 में रॉयल इनफील्ड की तरफ से मीटियोर 350 का जो लुक मिलता है उसमें आपको कोई बदलाव देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो मीटियोर 350 का फायरबॉल कस्टम ब्लैक मॉडल डल है, तो इसका जो लुक मिलता है ना, आपको पहले की तरह काफी प्रीमियम और काफी क्लासिक लगता है देखने में। और मुझे नहीं लगता कि मीटियोर 350 के लुक को कोई बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि ये पहले से ही काफी अच्छे लुक के साथ, काफी अच्छे क्लासिक लुक के साथ आती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, तो दोस्तों गौर करिएगा, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मीटियोर 350 का फायरबॉल कस्टम ब्लैक मॉडल, जिसमें आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है फायरबॉल कस्टम ब्लैक मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका जो दूसरा कलर निकल के आता है वो निकल के आता है ब्लू कलर, और इसका जो तीसरा और आखिरी कलर निकल के आती है वो निकल के आती है रेड कलर। तो दोस्तों, इसका जो स्टेलर रेड कलर है ना, उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, तो अगर आप लोग को इसके स्टेलर रेड कलर की वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ब्लू कलर है ना, उस कलर ऑप्शन की वीडियो आपको इस चैनल पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि 2022 में रॉयल एनफील्ड की तरफ से मीटियोर 350 की जो प्राइस है ना, वो पहले से बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों गौर करिएगा, मीटियोर 350 में आपको बहुत सारे मॉडल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरियंट देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी हमको जो प्राइस बताने वाले हैं वो हम आपको स्टेलर मॉडल की बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सोन प्राइस के बारे में, तो इसका जो मीटियोर 350 का स्टेलर मॉडल आती है, उसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है 2022 में, वो निकल के आ रही है 2,07,700 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, यानी कि 2,07,700 एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों गौर करिएगा, हम आपको जो प्राइस बता रहे हैं वो आपको एक लगभग प्राइस बता रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो काफी डिफरेंट देखने को मिलती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जाते हैं, वो मीटियोर 350 हो या फिर क्लासिक 350 हो, उसमें आपको एक ही मॉडल आपको अलग अलग एसेसरीज के साथ देखने को मिलती है, तो एसेसरीज वाइज की जो प्राइस होती है ना, काफी डिफरेंट देखने को मिलती है। तो हम आपको जो प्राइस बता रहे हैं उतने से लेके उतने के बीच में आपको मीटियोर 350 का वेरिएंट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है 2022 में, वो लगभग आपको पड़ेगी 2,37,000 से 2,41,000 के बीच में आपको मीटियोर 350 का स्टैंडर्ड मॉडल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसकी जो प्राइस है ना 2022 में 2,000 से 3,000 रुपए बढ़ चुकी है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट से, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, टेलर कॉपी सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 41mm का फॉर्क मिल जाता है, 130mm का ट्रेवल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना, पहले से और ज्यादा बेटर हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, सस्पेंशन के दोनों साइड में देखते हैं येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको 2 पिस्टन फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी साइज है 300mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ABS का चैन मिल जाता है, जो कि गौर करिएगा, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको ABS का चैन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है 100/90 का 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों गौर करिएगा, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से कि इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई बदलाव देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आ रहा है ना, वही सेम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के सबसे पहले चेंज के बारे में, जो कि 2022 में इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो चारों इंडिकेटर है ना, इसमें आपको प्री इंस्टॉल हैजार्ड्स भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपके जो चारों इंडिकेटर है वो साथ में ब्लिंक करेंगे, जो कि आपको फॉगी कंडीशन में राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा हेल्प करेगा। और अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलेगा वही आपको हाइलोजन बल्ब मिल जाता है विद LED DRL के साथ, जो कि आप देख
सकते हैं इसका जो एलईडी डीआर लगाया गया ना वो आपको राउंड शेप में मिलता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। हेडलैम्प के चारों तरफ आप देखते हैं क्रोम फिनिश देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आता है ना वही सेम आपको पहले की तरह क्लासिक लुक देखने को मिलती है जो कि रॉयल एनफील्ड की सभी बाइकों में देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आप देखते हैं एक बड़ा सा स्विच लगाया गया है जो कि है इंटीग्रेटेड लो एंड इम्को स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाता है, यानी कि आप लोग इस स्विच से दोनों काम कर सकते हैं। नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, पीछे साइड में आपको इन्फो स्विच देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग अपने मीटर कंसोल को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो स्विचेस क्वालिटी है आपको पहले की तरह काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ भी देखिए इसका जो साइड मिरर मिलेगा वही सेम आपको राउंड शेप में आपको क्लासिक डिजाइन में आपको ब्लैक कलर का साइड मिरर देखने को मिलती है जो कि हर रॉयल एनफील्ड की बाइकों में देखने को मिलती है जो कि काफी क्लासिक लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे आप देख सकते हैं रेड कलर का एक स्विच लगाया गया है जिससे आप लोग अपने इंजन को ऑन कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड इंजन ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाती है। नीचे आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है जिससे आप लोग अपने चारों इंडिकेटर साथ में जला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हैजार्ड स्विच देखने को मिल रहा है इसकी मदद से आप लोग चारों इंडिकेटर साथ में जला सकते हैं जो कि आपको फॉगी कंडीशन में राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा हेल्प करेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा वो आपको दो पार्ट में डिवाइड मिलता है जो कि आप देख सकते हैं सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है। इसमें आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर जो मिलेगा आपको एनालॉग देखने को मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको डिजिटल मीटर कंसोल में देखने को मिल जाती है। तो इसके डिजिटल मीटर कंसोल में आपको क्या क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको ओडोमीटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है, ट्रिप मीटर मिल जाती है, साथ ही साथ ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम मिल जाती है, जीपीएस सिस्टम मिल जाता है और साथ ही साथ स्मार्ट कनेक्शन सिस्टम मिल जाता है जिसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। हेलमेट रिमाइंडर देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया तो साइड में देखते हैं हेलमेट का सिंबल बन जाता है, तो इसमें आपको हेलमेट रिमाइंडर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा सेफ्टी फीचर देखने को मिल रहा है रॉयल एनफील्ड की बाइकों की तरफ से। तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश मिलता है जो कि इसको काफी क्लासिक लुक प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो रॉयल एनफील्ड की बाइक होती है ना वो क्लासिक लुक के लिए जानी जाती है। तो इसका जो लुक मिलता है ना वो पहले की तरह काफी क्लासिक लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो दोस्तों इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा ना रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक 350 आती है वही सेम फ्यूल टैंक लगाया गया है जो कि आपको फुल्ली ब्लैक कलर में देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो कलर देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे ये मिट्योर 350 का फायर बॉल कस्टम ब्लैक मॉडल। तो इसमें आपको पूरी बाइक आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा काफी बड़ा फ्यूल टैंक लगाया गया है, फ्यूल टैंक के दोनों साइड में देखते हैं व्हाइट कलर में आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो साइड से लुक निकल के आता है इस बैचिंग की वजह से काफी क्लासिक को काफी प्रीमियम लगता है देखने में। तो दोस्तों आपको ये स्टेलर ब्लैक कलर कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 15 लीटर की। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिलता है 349 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर ऑयल कूल BS6 इंजन देखने को मिलेगी। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20.2 bhp का 6100 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 27 Nm का 4000 rpm पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वॉक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि EFI सिस्टम मिल जाती है। इसका यूज ये होता है कि आपका जो पेट्रोल होगा ना वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी। और इसका जो यूज होता है ना इसकी वजह से आपका जो इंजन होती है ना काफी स्मूथली वर्क करती है और इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात, अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे बड़े चेंज के बारे में जो कि 2022 में इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब इसके साइड स्टैंड में आप लोग ध्यान से देखिए कि अब इसका जो साइड स्टैंड है ना पहले से थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इसके साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाती है। इसका यूज ये होता है कि अगर आप अपने बाइक के साइड स्टैंड को नहीं हटाएं तो आपकी जो बाइक है ना वो तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने साइड स्टैंड को नहीं हटा देते हैं, जो कि काफी अच्छा सेफ्टी फीचर देखने को मिल रहा है रॉयल एनफील्ड की लगभग सभी बाइकों में। तो दोस्तों ये इस बाइक का सबसे बड़ा अपडेट हुआ है 2022 में कि अब इसमें भी आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सीटिंग कंफर्ट है ना वो पहले की तरह काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइडेड सीट देखने को मिलेगी। इसका जो राइडर सीट मिलता है आपको काफी कंफर्टेबल मिलता है। इसका जो पिलियन राइडर सीट है वो भी आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको डिवाइडेड पिलियन ग्रेविल मिल जाती है जो कि काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे आप देख सकते हैं मिट्योर 350 लिखा हुआ मिल जाता है व्हाइट और रेड कलर में, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो अगला चेंज किया गया है वो इसके फुटपैड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो फुटपैड मिलता है ना वो आपको थोड़ा सा चौड़ा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको लेडी फुटरेस्ट देखने को मिल जाती है, यानी कि आपकी जो घर की लेडीज होती है ना वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। तो दोस्तों इसका जो सीटिंग कंफर्ट है ना इसको लेके आपको पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टेल लाइट मिलेगा वही सेम आपको राउंड शेप में आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाता है जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो चारों इंडिकेटर है ना वो साथ में चल रहा है, यानी कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है
जो कि काफ़ी बेहतरीन अपडेट देखने को मिल रहा है रॉयल इनफील्ड के लगभग सभी बाइकों में। तो दोस्तों इसका जो रियर से लुक निकल के आ रहा है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है ट्विंग ट्यूब एमुलेशन शॉक एब्जॉर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन देखने को मिलेगी जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 6 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना वो पहले से थोड़ा सा और भी ज्यादा बेटर हो चुका है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है सिंगल पिस्टन फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है जिसकी साइज है 270 mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ईबीएस के चैन लगाया गया है। गौर करिए कि ये डुअल चैनल ईबीएस के साथ आती है तो इसमें आपको रियर और फ्रंट दोनों में आपको ईबीएस का चैन देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी है ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टायर मिलेगा आपको काफी चौड़ा टायर मिलता है जिसकी साइज 140/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय के साथ। तो दोस्तों इसका जो टायर मिलता है आपको रेडियल का ट्यूबलेस टायर लगाया गया है जो कि ग्रिपिंग के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है। तो इस बाइक में आपको जो ग्रिप मिलेगी ना आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है आपको काफी अच्छे डिजाइन में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में सुना दिया है तो आप लोग को इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पे आप देखते हैं मिट्टी और 350 की बैजिंग देखने मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो ब्रेक पैटर्न मिलता है ना इसमें आप देख सकते हैं लोहे की रेलिंग लगाई गई है। इसका यूज क्या होता है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कितना भी कोशिश कर लें इसका जो रेलिंग है ना इसकी वजह से जो मेरा पैर है ना वो इसके इंजन से टच नहीं होती है। तो दोस्तों जो रॉयल एनफील्ड के लगभग सभी बाइकें आती है ना उसमें ये रेलिंग देखने को मिल रही है क्योंकि रॉयल एनफील्ड के लगभग सभी बाइकों में जो इंजन से टच होने के बाद आपका जो पैर जलता था ना वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा लोगों को आती थी कि आपका सूज जल जाता था आपका स्लीपर जल जाता था आपका पैर जल जाता था। तो वो प्रॉब्लम अब इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2140 mm का। इसका जो हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1140 mm का। इस बाइक का जो व्हीलबेस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 14 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 170 mm का। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। सीट हाइट जो मिलेगी वॉक मिलती है 765 mm का। इसका जो कार्बन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 191 kg की बाइक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात। अब आपको फाइनली बता देते हैं कि इसके 2022 मॉडल में आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको आपको हाईलाइट करके बता देते हैं। तो सबसे पहला चेंज कि अब इसकी जो सीट है ना पहले से थोड़ा सा और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। दूसरा चेंज इसमें आपको हेजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है। तीसरा चेंज इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम मिल जाता है। चौथा चेंज इसमें आपको यूएसबी पोर्ट चार्जर मिल जाता है। पांचवा चेंज इसकी जो प्राइस है ना पहले से 2,000 से 3,000 रुपए बढ़ चुकी है इसके 2022 मॉडल की प्राइस। तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस के 2022 मॉडल में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक कैसा लगा स्टेलर ब्लैक कलर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग 2022 में मिट्टी और 350 लेने जाते हैं तो आप लोग किस कलर को लेना प्रेफर करेंगे आप लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी ये कलर अच्छे लगे तो प्लीज अंदर से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट या फिर कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो होगी वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहे अपने हल्के दाने के हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।